नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 नवंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है साथियों वो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर, माफ कीजिए, इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप व टेलीग्राम चैनल पर है जो टीम के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को आप लाइक जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में किस भारतीय ने है जो स्वर्ण जीता है। अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों अनमोल जैन के द्वारा है जो साथियों टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल के अंदर है जो साथियों ये जीता गया है। भारतीय निशानेबाज अनमोल जैन ने अपने कौशल का शानदार नमूना पेश करते हुए टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट है उसके अंदर है जो स्वर्ण जीत लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं साथियों वहीं से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे और वही क्वेश्चन अगर अपने तैयार हैं तो अपने आगे इसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आंसर हो जाएगा किसको बनाया गया है, मनोज कुमार वर्मा को है जो साथियों कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आईपीएस मनोज कुमार वर्मा 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है और उन्होंने किसकी स्थान पर उन्हें साथियों विनीत कुमार गोयल की जगह पदभार दिया गया है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों चीजें रहेगी साथियों नए कौन बने हैं तो आपका आंसर हो जाएगा मनोज कुमार वर्मा और उन्होंने किसका स्थान लिया है तो आंसर हो जाएगा विनीत कुमार गोयल का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये किन की जगह पर आए हैं तो आंसर हो जाएगा साथियों विनीत कुमार गोयल की जगह ये आए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि चौथे ग्लोबल बायो इंडिया का जो सम्मेलन है साथियों वो कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा चौथे ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन है जो कहाँ पर हुआ या कहाँ आयोजित हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कार्यक्रम 14 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक है जो संपन्न हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें दुनिया को अनुसंधान विकास और विनिर्माण के लिए जीव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाओं को है जो साथियों इसके अंदर प्रदर्शित किया गया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि चौथे ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया। ये कितने दिवसीय कार्यक्रम था, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 दिवसीय कार्यक्रम था। ये 12 से लेकर 14 सितंबर 2024 तक साथियों इसका आयोजन है जो किया गया और इसके अंदर साथियों अनुसंधान विकास और विनिर्माण के लिए जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की जो अपार संभावनाएं हैं उनको है जो प्रदर्शित किया गया था। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में थ्रेरी बेरेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया, इनका संबंध किस देश से है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर थ्रेरी बेरेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया, इनका संबंध है जो किस देश से है, तो फ्रांस से है। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रांसिस यूरोपीय संघ ईयू आयुक्त थियरी ब्रेटन ने 16 सितंबर 2024 को ब्लॉक के कार्यकारी निकाय से तत्काल प्रभाव से है जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जानकारी इन्होंने साथियों है जो अपने ट्विटर अकाउंट पर से कि आयोग के अध्यक्ष कौन है उर्सुला वान डेर लेन को लिखे अपने त्याग पत्र की एक तस्वीर है जो साथियों इन्होंने ट्विटर पर शेयर कर ये जानकारी साझा की। तो इनका संबंध साथियों कहाँ से रहेगा, थियरी ब्रेटन का इनका संबंध रहेगा फ्रांस से और आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वान डेर लेन है जो साथियों ये भी आपको याद रखना है और इन्होंने अपना है जो साथियों इस्तीफा सौंप दिया है। इनकी जो कारण है साथियों वो संदिग्ध कारण है, दोनों के पता नहीं चले हैं
क्या कारण के चलते इन्होंने है जो साथियों इस्तीफा दिया है। तो अपने लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहेगा और पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संतोष कश्यप। किसको? संतोष कश्यप को। 58 वर्षीय कश्यप बतौर कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कमान संभालेंगे, क्योंकि भारत अगले महीने नेपाल के काठमांडू में होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 के लिए तैयारी शुरू कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में भारतीय सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संतोष कश्यप को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर है जो एग्जाम के अंदर ये पूछ लेता है और अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे और ये जो सीधे के सीधे पूछे जाते हैं साथियों वो क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सुभद्रा योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने कहां पर की है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि सुभद्रा योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने कहां पर की है? ओडिशा के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ओडिशा दौरे में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 3800 रुपये की लागत वाली कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास 20 के साथ किया। साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी सुभद्रा योजना की शुरुआत की है, जिसमें के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना की पहली किस्त 25 लाख महिलाओं को है जो प्रदान की गई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा साथियों कि पीएम मोदी जी हैं जो ओडिशा की यात्रा पर गए थे, उन्होंने साथियों वहां पर 3800 करोड़ रुपये के लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया, और जिसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट है सुभद्रा योजना है जिसकी शुरुआत है जो की गई है। इस योजना के तहत साथियों जो ओडिशा के अंदर महिलाएं हैं उनको साथियों हर साल है जो योग्य महिलाएं होंगी इसी योजना की उनको हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और इस योजना की शुरुआत है जो पीएम मोदी के द्वारा की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन बने हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने सरकार के इस्तीफे के बाद अमेरिका के शिक्षित टेक्नोक्रेट और प्रमुख महल सहयोगी जाफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हसन जो पहले राजा अब्दुल्ला के कार्यकाल के प्रमुख और पूर्व योजना मंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो इम्पोर्टेंट है साथियों पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री हैं जो कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जाफर हसन हैं जो साथियों इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्डन के। इम्पोर्टेंट है और इनकी नियुक्ति है जो किसके द्वारा? राजा अब्दुल्ला के द्वारा है जो साथियों इनको प्रधानमंत्री है जो नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है सीधा का सीधा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ऐसी हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब है जो किसने जीता? भारत ने। भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार जीता है ऐसी हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चीन को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बरकरार रखा। युवराज सिंह ने चौथे क्वार्टर में मैच का एकमात्र गोल किया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा किसको हराकर जीता है? चीन को हराकर जीता, और भारत इसके अंदर कितनी बार चैंपियन बना है? तो आपका आंसर होना चाहिए भी 5वीं बार है जो भारत साथियों इसका चैंपियन बना है। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है साथियों, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंफर्म होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पूछे इसलिए जाते हैं साथियों कि यहीं से है जो स्कोर बनता है कि कितने विद्यार्थी हैं जो अन्य विद्यार्थियों के से ज्यादा है जो करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से है जो तैयार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको यादें रखनी है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हुकोतो R2 चंद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है? तो जापान के द्वारा। जापान की वैश्विक इंजीनियर कंपनी स्पेस ने हुकोतो R मिशन 2 की घोषणा की है। इस मिशन में कई सहायक कंपनियां शामिल हैं जिनमें साथियों चियोदा कॉरपोरेशन, बाडाई नामक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलेड विश्वविद्यालय, कुरिता वाटर इंडस्ट्रीज। इन कंपनियों का मकसद है कि वे चंद्रमा पर अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान दें। तो इम्पोर्टेंट है, और ये साथियों दिसंबर 2024 के आसपास है जो इस मिशन को जापान लॉन्च कर सकता है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है साथियों वो पूछा जाता है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में
तापी पाइपलाइन पर काम करने की घोषणा है जो किसने की है? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम करने की घोषणा किसने की है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में काम करने की शुरू करने की घोषणा की है। इस पाइपलाइन के जरिए तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस को भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक के पहुंचाया जाएगा। 10 करोड़ के आसपास का बजट साथियों इस योजना पर है जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है जो खर्चे करेगी। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अंदर शामिल कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। और वहां पर साथियों जो प्राकृतिक गैस का निर्माण किया गया है उसको भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। तो आज के करंट अफेयर के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट मिले। और आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप व टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े रहिएगा, आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए साथियों, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी है जो कोई प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित होती है वो आपके साथ वहाँ पर भी शेयर कर दी जाती है। यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर फॉलो कीजिए और आपको वहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ, करंट अफेयर्स और उसके अलावा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वो आपके साथ साझा कर दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।